हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी का बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाते। यहाँ पे मैंने एक कटोरी सूजी ली है और आधा कटोरी दही, और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करेंगे। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसमें। आधा चम्मच नमक डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह का हमें बैटर तैयार कर लेना है। इसे ढक्कन देकर 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, सूजी अच्छे से फूल गई है। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सोडा हमें तभी डालना है जब हम इसे बनाएंगे। और इस तरह का हमें गाढ़ा बैटर रखना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने तवा गरम कर लिया है और तेल लगा देंगे अच्छे से। इसके छोटे छोटे उत्पम तैयार करेंगे। और ऊपर थाली का ढक्कन देकर इससे नीचे से सेक लेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके, ढक्कन को हम हटा देंगे और इसे पलट लेंगे। इस तरह का हमें सेक लेना है और इसे हमें लो फ्लेम पे सेकना है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सेक लेंगे। ऊपर थाली का ढक्कन दे देंगे और 2 मिनट के लिए सेकने को रख देंगे। 2 मिनट हो चुके, ढक्कन हटा लेंगे और इस तरह का हमें सेक लेना है, आप देख सकते हैं। और इसे प्लेट में बाहर ले लेंगे और इसी तरह हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे उत्पम बनाकर तैयार कर लिए। इसे आप ऐसे ही केचप के साथ भी खा सकते हैं तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें 1/2 चम्मच राई डालेंगे और राई को अच्छे से तड़कने देंगे। और यहाँ पर मैंने 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है, 1 बारीक कटा हुआ प्याज और 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, पत्ता गोभी, मटर। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, आधा कच्चा ही रखना है। अब इसमें डालेंगे जो हमने उत्पम बनाकर तैयार किए थे वो, और 2 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा सूजी का नाश्ता बनकर तैयार है। इसे एक प्लेट में बाहर ले लेंगे। तो
फ्रेंड्स हमारा सूजी का नाश्ता बनकर तैयार है। फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही चटपटा है, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।